नमस्कार दोस्तों, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों रेलवे CBT 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। एक ही मिशन CBT 2, रेलवे NTPC CBT 2। जिस स्टूडेंट के पार्ट्स एक के अंदर जो CBT फर्स्ट के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो पार्ट्स बी यानी CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, मैथ की क्लास सुबह 11 बजे होगी, जीके और जीएक्स की साइंस 9 बजे क्लास होगी। साइंस और जीके की क्लासें क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स हम इसके साथ में शुरू कर देंगे। तो आज हम रात 9 बज चुके हैं और आज की जो क्लास हम लेकर आए जीके और जीएस से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न का सही उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दे अगर आपको पता है तो। दोस्तों उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इस चारों में से आपका सही आंसर है दोस्तों लागोस। दोस्तों लागोस है, कहां है ये? नाइजीरिया के अंदर है। कहां है दोस्तों? नाइजीरिया। इसकी PDF फाइल दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिला हुआ, क्या मिला? टेलीग्राम ग्रुप स्टार एजुकेशन के नाम से है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है? परंपरागत ऊर्जा का संबंध, इसका राइट आंसर है भूरी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चंस, निम्न में से वेरी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर क्वेश्चंस दोस्तों। निम्न में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या? क्या पूछा? जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? साइंस से संबंधित रिलेटेड है और दोस्तों इसका जो सही आंसर वो कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। यस, 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट सबसे अच्छी गैस का उदाहरण है, वो है दोस्तों हीलियम। क्या है? हीलियम आपका राइट आंसर। कौन सा है? हीलियम आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूक्लिक रिएक्टरों में जल, भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। तो भारित जल के बारे में पूछा गया कि भारित जल क्या है? दोस्तों भारित जल है हाइड्रोजन के भारी आइसोटॉप से युक्त जल, यानी जो नाभिकीय जो रिएक्टर से पानी, न्यूक्लिक अम्लों से पानी का रिसाव होता है उसका इकट्ठा होता है और इसका मंदक के रूप में भी काम में लिया जाता है। किसके रूप में? मंदक। अगर आपसे पूछे इसका है D2O, इसका फॉर्मूला क्या है? D2O, मंदक। मंदक के रूप में काम में लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, सभी स्टूडेंट शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता का नहीं, सवाल क्या पूछा है? नहीं दर्शाया जाता। यस, 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर। क्या है? एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित है। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी आकाश में जो घट रही हैं घटनाएं हवा के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा विज्ञान कहते हैं? जल्दी से बताइए प्रश्न का राइट आंसर। यस, इस 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान कहा जाता है।
मौसम विज्ञान इसे वायुमंडल की घटनाओं का अध्ययन करना, क्या करना, वायुमंडलीय घटना का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता अभियान सम्मेलन, जैव विविधता विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहां पर स्थित है। चलिए बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यस इसका राइट आंसर इज मॉन्ट्रियल, क्या है, मॉन्ट्रियल, यस ऑप्शन नंबर आपका डी सी, ऑप्शन नंबर सी यस राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती, क्या पूछा है, यस 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ये मैक्सिको से नहीं गुजरती। 3 रेखाएं हैं दोस्तों, 0 डिग्री और उसके बाद 23.5 डिग्री कर्क रेखा या उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो खड़ी रेखाएं होती, क्या होती है, खड़ी रेखाएं, इसे बोलते हैं देशांतर रेखा, कौन सी रेखा, देशांतर, और जो आड़ी रेखा होते हैं इसे अक्षांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षांश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अधिकांश भू पर पट्टी, देखिए दिखुच है भू पर पट्टी किस सेल से बनी होती है, अधिकांश, 10 नंबर प्रश्न, भू पर पट्टी अधिकांश की बात करें यानी 75% कितना, 75% औषधीय चट्टानों से निर्मित है, किससे, औषधीय सेल, क्या बोलते हैं इसे, सेलों, सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, यस आग्नेय चट्टान, औषधीय और कायंत्री, ये तीनों देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों टाइप्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बीजापुर, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बीजापुर किस चीज के लिए जाना जाता है, क्या है, बीजापुर, वेरी इंपॉर्टेंट है बीजापुर, यस बीजापुर के अंदर गोल घुमच एक मस्जिद है दोस्तों, मस्जिद के लिए, मस्जिद, मस्जिद के लिए जो मुसलमानों की दरगाह होती है, यस इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोहम्मद, नाम ध्यान रखना, मोहम्मद आदिल शाह, क्या है, मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे बीजापुर किस राज्य के अंदर स्थित है, राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है कि बीजापुर किस राज्य के अंदर है। चलिए अगला जो प्रश्न है, रूस के, सवाल क्या पूछा, रूस के पालुलिस्ट आंदोलन, यस क्या है, पालुलिस्ट आंदोलन अजराकतावाद का संस्थापक सदस्य कौन था, रूस दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से ये सवाल पूछा गया, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यस तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर की बात करते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है दोस्तों, रट लेना है इस प्रश्न को, क्या कर लेना, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आने वाला है। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न, यूएसए में सैन फैक्सिक्स में गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी, यस गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, कौन था, लाला हरदयाल था। इसका पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए स्टार एजुकेशन के नाम से, लिंक नीचे मिल जाएगा, और लिंक मिलते ही आप उसे, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कोलकाता राजस्थान, भारत के अंदर जो सबसे पहले कोलकाता के अंदर जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यस और उच्चतम न्यायालय दोस्तों देखिए
कोलकाता की बात करें, कोलकाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल के अंदर है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। चलिए 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 1773, कौन सा ध्यान रखना, 1773 के अंदर जो अधिनियम स्थापित किया गया, 1773 का अधिनियम क्या, 1773 के अधिनियम के तहत भारत के अंदर कोलकाता में क्या होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों। और देखिए एक क्या पूछा गया, वेरी इसका जो सत्य क्या है दोस्तों, सत्य समाज शोधक, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, क्या है सत्य शोधन सभा के संस्थापक कौन थे, जो महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की थी और महाराष्ट्र के अंदर स्थापना करने वाले ज्योतिबा फुले कौन थे, ज्योतिबा फुले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी करक रेखा को दो बार काटती है, क्या है करक रेखा दोस्तों, ये करक रेखा है और कर इस प्रकार से नदी आती है और इस प्रकार से काटती है, ये करक रेखा एक बार तो यहाँ से काट देती है और यहाँ से एक बार काट देती है। करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, इसका नाम है लिम्पापो, क्या है लिम्पापो, क्या है लिम्पापो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे करक रेखा दोस्तों, अभी मैं आज दो बताऊंगा, एक बताऊंगा करक रेखा, करक रेखा इस प्रकार से और इस प्रकार से नदी काटती है, उसका नाम है माही नदी, कौन सी नदी, माही नदी, कौन सी नदी है माही नदी, तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्रिकेट बैट के लिए कौन सी विलो कहाँ से प्राप्त होता है, यानी विलो एक पौधा है क्या दोस्तों, पौधा एक पौधे से, इस लकड़ी के पौधे से बैट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, भारत के अंदर खेलने वाले जो भारतीय टीम खेलती है, पाकिस्तान की टीम खेलती है, ऑस्ट्रेलिया टीम खेलती है, उस बैट सबसे ज़्यादा वो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, वो होती है पतझड़ी वन, कौन सा पतझड़ी वन से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी, एशिया की सबसे बड़ी नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है यांग टीचियांग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ग्रहण के दौरान दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण होता है क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग, यस क्या है सबसे काला भाग, उसे क्या कहते हैं बताइए। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परछाया, क्या बोलते हैं परछाया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या, कम करना, विपदा दोस्तों अचानक विपदा आ जाती है तो दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि इसका जो सुभेदित यानी उसका सॉल्यूशन किया जाए और कम से कम हानि हो, क्या हो कम से कम हानि हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल पूछा गया है सहलग्नता की खोज किसने की, क्या बात है आपका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, क्या है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से, जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक, प्लांटेरियम के लेखक कौन है, एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी और इसके लेखक कौन है दोस्तों, बेथ और हुकर, कौन है बेथ और हुकर, बेंथम, क्या है बेंथम और हुकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए जल्दी से, 23 नंबर प्रश्न,
जल्दी से बताएंगे 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। दोस्तों पूछा गया आपसे, क्या पूछा, बीजाणु धानीथर पत्ते को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं बीजाणु प्रण। क्या कहते हैं? बीजाणु प्रण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप बोलेंगे इतने कठिन सवाल, तो कठिन प्रश्न याद करेंगे तो सरल आसानी से हो जाएगा, जितना आप कठिन करेंगे उतना सरल हो जाएगा। साई केस के परवाल मूल किस में सहायक होता है? साइकेस के परवाल मूल जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जल में किसमें दोस्तों, जल में वेरी इंपॉर्टेंट है, जल में अवशोषण और हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन में स्थितिकरण। क्या है? जल में तो अवशोषण और नाइट्रोजन में स्थितिकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है 25 नंबर प्रश्न। वीडियो को लाइक करेंगे। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए, मार्स में जल का वहन किसके द्वारा होता है? यस दोस्तों देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यस इस प्रश्न का 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न। स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसका पीडीएफ आने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे जाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, या फिर दोस्तों बता देता हूँ आप हमें क्या करें, टेलीग्राम को फॉलो करें। दोस्तों जल्दी से बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर की है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये पाई जाती है, यस आवर्त बीजी में, किस में, आवर्त बीजी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या सोपानी परिणाम, क्या पूछा, सोपानी परिणाम है, वेग बल कोणीय संवेग स्तर विद्युत विद्युत। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है स्तर विद्युत, क्या बात है, यस बल स्तर विद्युत बल, यस इसका जो परिणाम माना जाता है। चलिए देखिए, निम्न में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है? सवाल क्या पूछा, निम्न में से कौन सा वेक्टर परिमाण नहीं है? 28 नंबर प्रश्न का वह गति, क्या है, गति नहीं है दोस्तों, क्या है, गति नहीं है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न का जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड है, 29 त्वरण को, क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समान वेग से एक गाड़ी चल रही, क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म को एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक अपेक्षित द्वारा देखकर गेंद वालों को पथ कैसा होगा? दोस्तों देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से आपके जो मेंस एग्जाम होगा ना ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पर वलय, क्या है, पर वलय के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, तीन सूचियां होती, कितनी होती दोस्तों, तीन सूचियां, एक होती आपकी राज्य सूची,
एक होती है संघ सूची और एक दोनों का कंबाइंड होता है संघ सम समवर्ती। कौन सी? समवर्ती सूची, दोनों को कंबाइंड, जिसका केंद्र भी करता है राज्य भी करता है। यस, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नशीले पेय पदार्थ हैं उसका निर्माण राज्य सरकार करती है कि भैया, क्योंकि गुजरात की बात करें गुजरात के अंदर जो दारू प्रतिबंध है राजस्थान के अंदर चल रहा है, MP के अंदर चल रहा है, तो उस हिसाब से पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु कम से कम हो वह बाल विवाह माना जाएगा। दोस्तों अगर पुरुष 21 वर्ष का हो, कौन सा दोस्तों, पुरुष, और अगर महिला 18 वर्ष की हो तो ये कानूनन माना जाता है, अगर क्या माना जाता है, बाल विवाह माना जाता है। क्या माना जाता है? बाल विवाह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक करेंगे एक बार, सभी शेयर करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ जाइए। दोस्तों एक पूछा है रॉक, रॉक का मतलब होता है पर्वत, ट्रफ, क्या पूछा है, ट्रफ, रॉक किसका उदाहरण है, और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अग्निशामक चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक मिंदर के बारे में पूछा गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मिंदर कर्नाटका के अंदर स्थित है, क्या है, कर्नाटका के अंदर हाईसलेश्वर मिंदर कर्नाटक में कहाँ स्थित है, कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका की राज्य की राजधानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कर्नाटका की राजधानी कौन सी है, और इसका राइट आंसर बता देता हूँ 94 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाल बिंदु के अंदर, क्या है, हाल बिंदु के अंदर है। यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति, किसकी मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, और ये कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका का नाम आपने बेलूर नाम सुना होगा, बेलूर से 16 किलोमीटर दूर है, कितना है 16 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण की बात करें दोस्तों, इस मिंदर के निर्माण की बात करें 12वीं सदी के अंदर बनेगी, कौन सी, 12वीं शताब्दी, नाम सुना होगा शताब्दी। और दोस्तों वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है, 22वीं शताब्दी चल रही है। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था, राजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण करवाया था। और ये आज का अंतिम प्रश्न एक बार देख लीजिए दोस्तों, आज हम 35 प्रश्न करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद, दोस्तों विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद कितनी है, यस दोस्तों 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, कितनी राज्यों के अंदर, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, और 6 राज्यों के नाम फटाफट से लिख लेते हैं अगर आपको पता है। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार, कौन सा, बिहार, कौन सा प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद मैं लिखता हूँ कर्नाटका। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कर्नाटका, कर्नाटका की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, और उसके साथ में है महाराष्ट्र, कौन सा दोस्तों, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ में यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश, और छठा राज्य तेलंगाना, कौन सा, तेलंगाना, ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी जो बात करें दोस्तों वर्तमान के अंदर, लेकिन आने वाले दिनों में दो और राज्य चर्चा में चल रहे, दो राज्य हैं, एक तो आपका राजस्थान राज्य चर्चा के अंदर चल रहा है, और एक असम राज्य, कौन सा, असम राज्य, इनों के अंदर भी विधान परिषद बहुत जल्द लागू हो जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको कितने हैं, 6 आपको ध्यान में रखना, कितने, 6 ध्यान रखना है। और दोस्तों हमारा एक ही मिशन है दोस्तों, ओनली फॉर CBT 2 को आर और पार करना, CBT 2, और CBT 2 में 80+ नंबर लेकर आना, कितना प्लस लेकर, 85+ अगर आप नंबर लेकर आएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, 85+ लेकर आएंगे। सुबह रीजनिंग की क्लास 9 बजे, 11 बजे मैथ की क्लास, GK साइंस का रात को 9 बजे क्लास। PDF के लिए दोस्तों, PDF आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहे, धन्यवाद।